जिला कलेक्टर दीपक सोनी के निर्देश पर प्रशासनिक टीम ने जिले के शहरों में संचालित कोचिंग संस्थाओं का निरीक्षण किया। एसडीएम अमित कुमार गुप्ता और एसडीओपी श्रीमती निधि नाग के नेतृत्व में तहसीलदार, लोक निर्माण विभाग, स्वास्थ्य विभाग, सीएसपीडीसीएल और नगर पालिका अधिकारी की संयुक्त टीम ने कई कोचिंग सेंटरों में जाकर निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान टीम ने कोचिंग संस्थाओं में उपलब्ध सुविधाओं, सुरक्षा व्यवस्था, लाइब्रेरी और प्रवेश क्षमता का जायजा लिया। कई जगहों पर प्रशासन को लापरवाही दिखाई दी। एक ही कमरे में अलग अलग शिफ्ट में 50 से अधिक छात्र बैठकर पढ़ाई करते पाए गए। कई कोचिंग सेंटरों में छात्र छात्राओं के लिए अलग से टॉयलेट की व्यवस्था नहीं होने पर एसडीएम ने संचालकों को फटकार लगाई और कुछ कोचिंग सेंटरों को जब तक शौचालय की व्यवस्था नहीं हो पाती तब तक बंद करने के निर्देश दिए। टीम ने कोचिंग सेंटरों में पर्याप्त रोशनी, पेयजल, फर्नीचर, वेंटिलेशन, पार्किंग, अग्निशमन यंत्र, सुरक्षा ऑडिट और बेसमेंट की भी जांच की। गौरतलब है कि पिछले दिनों देश की राजधानी दिल्ली में कोचिंग संस्थानों में हुई घटनाओं को दृष्टिगत रखते हुए जिला प्रशासन ने शहरों में संचालित कोचिंग संस्थानों में सुरक्षा एवं सुविधाओं को लेकर संचालकों को सतर्क किया है। प्रशासन का यह कदम सुनिश्चित करेगा कि कोचिंग सेंटरों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को सुरक्षित और उचित माहौल मिले।